वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज आपके लिए लेके आई हूँ अगेन मैं एक बहुत प्यारा सा स्किन केयर हॉल। जी हाँ, ये बहुत अमेजिंग होने वाला है क्योंकि इसमें कुछ मैं बहुत अच्छी चीजें दिखाने वाली हूँ। कुछ स्किन की है, कुछ मेकअप की है, बट सीरियसली गाइज दे आर टू अमेजिंग। यस, इस टाइम पे दिखाने का पर्पज है कि अभी पर्पल पे चल रही है सेल, रिपब्लिक डे सेल चल रही है, जिसमें आपको 50% ऑफ मिल सकता है आपके फेवरेट ब्रांड्स पे, प्रोडक्ट्स पे। सो ये सेल है 20 तारीख से लेकर 28 तारीख तक, तो बिल्कुल भी मिस आउट मत कीजिएगा। ये जब भी जा रहा है फटाफट से आपकी पसंद की चीजें आप बाय कर लीजिएगा। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं जो कि गुड वाइब के हैं मेरे पास, और कुछ मेकअप की चीजें हैं। चलो मैंने जो लगा रखा है वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे मैंने अप्लाई किया हुआ है एक ब्राउन कलर का लाइनर। अगर आप ध्यान से देखें तो ये ब्राउन लाइनर है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और NYBA ने अभी अभी लॉन्च किए हैं ये लाइनर्स, काफी अच्छे लाइनर्स हैं, मुझे काफी पसंद आए हैं क्योंकि इसमें काफी सारे कलर्स आपको मिल रहे हैं। सो ये है वो ब्राउन वाला जो मैंने राइट नाउ अप्लाई किया हुआ है, और इसका जो पिगमेंटेशन है वो बहुत ही अच्छा है। सो दिस इज ब्राउन कलर। इसमें आपको और भी कलर वहां पे मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सभी प्रोडक्ट के लिंक छोड़ दूंगी। सो पिगमेंटेशन काफी हाई है, आप देख सकते हो, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। लगने के बाद बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, मतलब मुझे सीरियसली इट इज समथिंग डिफरेंट, बिकॉज ये ब्राउन कलर है तो ऑब्वियसली समथिंग डिफरेंट लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ब्राउन कलर के आईलाइनर्स काफी अच्छे लगते हैं, एंड NYBA के जो प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर वेरी अफोर्डेबल, बजट फ्रेंडली, सो मेरे काफी फेवरेट हैं। सो इसका लिंक मैं नीचे छोड़ दूंगी, ठीक है। तो यहां से मैंने शुरू किया बिकॉज मैंने लगाया हुआ था। इसके बाद में कुछ स्किन केयर की बात हो जाए तो यहां मेरे पास में है गुड वाइब्स का ब्राइटनिंग बॉडी लोशन कॉफी, नो पैराबिन, नो सल्फेट। जी हाँ, ये बहुत अच्छे बॉडी लोशन है, मैं आपको क्या बताऊं। इनका रेंज और भी मेरे पास है, आपके साथ शेयर किया है पहले भी, कोकोनट वाला है यही वाली रेंज से और गुड वाइब का, एंड दूसरा है विटामिन सी ग्लो वाला, और ये है कॉफी वाला, तो ये भी ऑब्वियसली काफी अच्छा है। इसके टेक्सचर की बात करें तो इट्स लाइक थोड़ा सा कॉफी जैसा कलर, एंड फ्रेग्रेंस ऑब्वियसली कॉफी टाइप ही होगी बिकॉज कॉफी फ्लेवर है। सो दिस इज क्वाइट गुड, और इनके जो बॉडी लोशंस होते हैं वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, काफी मॉइस्चराइजिंग और नरिशिंग होते हैं और आई लव इट। सो ये है गुड वाइब्स का कॉफी ब्राइटनिंग बॉडी लोशन। एक्सेस ऑयल कंट्रोल करता है, मॉइस्चराइजिंग है, रीजेनुएटिंग है, वेगन है, नो पैराबिन, नो सल्फेट एंड नो एनिमल टेस्टिंग। एनहांस स्किन टोन एंड कम्प्लेक्शन, मॉइस्चराइज एंड रीजेनुएट, सुइटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप, और क्विक एब्जॉर्ब हो जाता है, क्रीमी टेक्स्चर है। बात करती हूँ मैं गुड वाइब का ही पपाया ब्राइटनिंग फेस वॉश। इसमें कोई पैराबिन नहीं है, मिनरल ऑयल नहीं है, और ये काफी अच्छा है बिकॉज इसके अंदर ऑब्वियसली पपाया है, सो हमारे स्किन के लिए ये काफी अच्छा वर्क करने वाला है। पपाया हेल्प करता है डार्क स्पॉट को फेड करने में, आपकी स्किन को ब्राइटनिंग करने में हेल्प करेगा, काफी अच्छा फेस वॉश है ये। सो गुड वाइब्स पपाया ब्राइटनिंग फेस वॉश डीप पोर क्लेंजिंग करता है, ये नॉन ड्राइंग है, विद मेलबेरी, नो पैराबिन, नो मिनरल ऑयल, नो एनिमल टेस्टिंग। की इंग्रेडिएंट की बात करूं तो इसके अंदर है ग्रेप सीड ऑयल जो कि हेल्प करता है स्किन को क्लेंस करने में, लेकोराइस है जो इम्प्रूव करता है कॉम्प्लेक्शन को, ऑरेंज है जो स्मूदन करता है स्किन को, एंड मेलबेरी है जो इम्प्रूव करता है स्किन की इलास्टिसिटी को, काफी अच्छा फेस वॉश है। अब मेरे पास है एक और बॉडी लोशन, जी हाँ ये भी गुड वाइब से है, ये वाली रेंज है, ये है गुड वाइब का शी बटर डीप मॉइस्चराइजिंग बॉडी लोशन। इसमें भी कोई पैराबिन नहीं है, काफी अच्छा है ये, और मतलब इनके जो बॉडी लोशंस, हैंड क्रीम्स वगैरह है मुझे काफी ज्यादा पसंद है, आपको ही पता है कि मैं काफी यूज करती हूँ, और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसे है, काफी अच्छा है और काफी अच्छा है। सो दिस इज वेरी गुड। गुड वाइब शी बटर डीप मॉइस्चराइजिंग बॉडी लोशन हाइड्रेट करता है स्किन को, मॉइस्चराइज करता है, इसके अंदर कोई पैराबिन नहीं है, नो सल्फेट एंड नो एनिमल टेस्टिंग, मेक्स स्किन सॉफ्ट एंड स्मूथ, डीपली नरिशेज स्किन, प्रोवाइड्स इन डेप्थ मॉइस्चराइजेशन, कंटेन्स हीलिंग प्रॉपर्टीज, रिच इन एसेंशियल फैटी एसिड्स एंड विटामिन्स, काफी अच्छा और काफी मॉइस्चराइजिंग बॉडी लोशन है, हाईली रिकमेंडेड है। बाद में जब बात चलती है स्किन केयर की तो हम लिप बाम को कभी भी नहीं भूल सकते, बहुत अच्छा लिप बाम है, ये है गुड वाइब्स का प्लम्पिंग लिप बाम बीटरूट वाला, बीटरूट वाला है ऑब्वियसली, कलर बीटरूट जैसा ही होगा, तो कुछ ऐसा ही कलर है और काफी काफी मॉइस्चराइजिंग है ये, काफी मॉइस्चराइजिंग है गाइज, वाओ, बिल्कुल बीटरूट वाला कलर है एंड वेरी मॉइस्चराइजिंग, बहुत अच्छा लिप बाम है, मतलब लव इट। बहुत हल्का सा इसमें फ्रेग्रेंस है, वाओ, वाओ, जस्ट वाओ,
आपको यहां लगा के दिखाती हूँ तो आपको आइडिया आएगा कि कितना मॉइस्चराइजिंग है. क्वाइट मॉइस्चराइजिंग. सी गाइस, गुड वाइब्स बीटरूट प्लम्पिंग लिप बाम मॉइस्चराइजिंग है, हाइड्रेटिंग है, स्वीट आलमंड ऑयल है इसमें और ऑलिव ऑयल है. सो बीटरूट के बेनिफिट मैं आपको बता देती हूँ. एक्ट्स एज अ ब्लीचिंग एजेंट, ट्रीट्स ड्राई एंड चैप्ड लिप्स, रिड्यूसेस पिगमेंटेशन, लीव्स अ टिंट ऑफ रोजी रेडियंस. तो काफी अच्छा लगता है, हल्का सा टिंट भी आ जाता है लिप्स पे. स्किन केयर की बात हो तो नाइट रूटीन हम कैसे मिस कर सकते हैं, तो ये नाइट क्रीम है. ये है गुड वाइब्स की ककाडू प्लम रेडियंस नाइट क्रीम. इसका डिटेल मैं भी आपको देती हूँ. पहले आप पैकेजिंग देख लो, कुछ ऐसे पैकेजिंग है इसकी और अंदर से इस तरह से है और ऑब्वियसली इसके अंदर ककाडू प्लम है लिखा हुआ है, तो बाकी की डिटेल मैं आपको यहाँ दे देती हूँ. सो गुड वाइब्स ककाडू प्लम रेडियंस नाइट क्रीम है, स्किन लाइटनिंग, ग्लोइंग, नो पाराबिन, नो सल्फेट, नो मिनरल ऑयल एंड नो एनिमल टेस्टिंग. दिस क्रीम इज एनरिच्ड विद विटामिन सी क्योंकि इसके अंदर है ऑस्ट्रेलियन ककाडू प्लम, मेक्स स्किन ग्लो नेचुरली, न्यूट्रलाइजेज फ्री रेडिकल्स, बूस्ट स्किन रेडियंस. ऑल्सो दिस क्रीम इम्प्रूव्स द स्किन टोन. काफी अच्छा नाइट क्रीम है ये. स्किन केयर की बात हो गई, अब थोड़ी सी मेकअप की चीजें आपको दिखा रही हूँ. बहुत अमेजिंग चीजें हैं जो मैं आपको शो करने जा रही हूँ. बाद यहाँ पे मेरे पास है एंड वाई बे ग्लॉस गेटर लिप ग्लॉस. जी हाँ, ये लिप ग्लॉस है. ये ऐसे कुछ इसका आउटर पैकेजिंग है, ये इनर पैकेजिंग है. काफी अच्छा लग रहा है ना देखने में, कलर बहुत ब्यूटीफुल है. ये कलर कौन सा है? दिस इज नंबर 5 पीची पीच प्ले, नंबर 5 पीच प्ले. और इसका मैं आपको यहां भी दिखा देती हूँ पिगमेंटेशन और लिप्स पे भी अप्लाई करके दिखाती हूँ. वाओ, ग्लॉसी सा है और न्यूड शेड है. ऑब्वियसली ये काफी अच्छा लगेगा लगाने के बाद, तो चलो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ. चलिए इसको अप्लाई करते हैं. मैंने अपना लिपस्टिक ऑलरेडी रिमूव कर दिया है. वाओ, पिगमेंटेशन भी अच्छा है और दिस इज अ ब्यूटिफुल कलर. डू यू लाइक इट? आई थिंक आप लोगों को भी पसंद आएगा. सो अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आपको चेक करना पड़ेगा मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे सेल की डिटेल्स तो होंगी, साथ में प्रोडक्ट के लिंक्स भी होंगे. दिस इज सो ब्यूटिफुल, गॉर्जियस शेड. न्यूड लवर्स के लिए दिस इज टू परफेक्ट. इसके बाद एक और है इसी रेंज से, दो ग्लॉस है मेरे पास, दो लिप ग्लॉस है एन वाई बे के, और ये भी न्यू लॉन्चेज ही हैं. सो एन वाई बी ग्लॉस गेटर लिप ग्लॉस है ये, और ये मेरे वाला शेड है जिसे मैं अप्लाई करती हूँ. दिस इज पिंक. सो चलो ये भी लगा के दिखाती हूँ. और ये है शेड नंबर 3 चेरी क्रश, इसका नाम है. और सो एन वाई बी ग्लॉस गेटर लिप ग्लॉस है, शाइनी एंड सैटिन फिनिश, लाइट वेट है, नॉन स्टिकी है, और ये काफी अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आए. और सर्दियों में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं लिप ग्लॉस वगैरह. लो टू मीडियम कवरेज है, पॉली सेटिन फिनिश है, लाइट वेट है, और इसमें आपको वहां पे बहुत सारे कलर मिल जाएंगे अवेलेबल. सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक चेकआउट करना. कैसे लगे आपको लिप ग्लॉसेस? बहुत अच्छे हैं और बहुत ही एक ग्लॉस, वाओ, बहुत ही अच्छा लग रहा है. दोनों कलर्स बहुत अच्छे हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. इस टाइम पे सेल चल रही है, बिल्कुल भी मिस आउट मत कीजिए. कुछ भी अच्छा लग रहा है, दिस इज द राइट टाइम टू बाय बिकॉज सेल इज गोइंग ऑन. मैंने आपको बताई दी कौन सी सेल चल रही है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिख दूंगी कौन सी सेल चल रही है. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी अपनी केयर कीजिए. लव यू, टेक केयर एंड बाय.